हाय फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं मुहर्रम स्पेशल मलीदा की रेसिपी। ये मलीदा तो ऐसे मुहर्रम में बनाया जाता है, पर अंदीना भी आप अपने बच्चों को बना करके दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है नाश्ते का, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। 1 पाव गेहूं का आटा ले लिए हैं, उसमें 1 चुटकी हमने नमक डाल दिया है और 1 चम्मच मैं घी ऐड कर रही हूँ। और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, जिस तरीके से पूरी के लिए आप मोइन लगाते हैं ना, उसी तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए, इस तरीके से बंधने लग जाए, मतलब परफेक्ट है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, और जिस तरीके से आटा गूंदते हैं रोटी या पराठे के लिए, उसी तरीके से इसका आटा हम गूंद लेंगे। और ये देखिए, आटा हमने गूंद लिया है, ये सॉफ्ट सा डो लग गया। अब इसे हम ढक कर के छोड़ दे रहे हैं 10 मिनट के लिए। आटा सेट हो रहा है, तब तक हम गुड़ काट ले रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए हम आपको वीडियो में बता रहे हैं, सेम इसी तरीके से बारीक बारीक स्लाइस जैसा गुड़ काटिएगा। ये ईजी से मेल्ट हो जाते हैं, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100 ग्राम के आसपास हमने गुड़ लिया है, मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए, आटा भी हमारा सेट हो गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके हमें लोई तोड़ लेने हैं, तो इसका हम 3 लोई बनाएंगे 1 पाव आटा का। ये थोड़ी मोटी ही बनती है, तो चलिए अब इसे हम बेल ले रहे हैं। तो अभी हम सूखा आटा लगा करके पहले बेलेंगे। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और ये देखिए, रोटी के जैसा हमने बेल लिया है, अच्छी बड़ी साइज की रोटी हमने बेली है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे घी, और पूरा रोटी में हमें लगा देना है अच्छी तरीके से। और जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इसे हमें फोल्ड करते हुए जाना है रोटी को। और इसे हम थोड़ा सा रोल रोल करके, थोड़ा सा इसे हमें साइज में बड़ा करना है, ये देखिए इस तरीके से। और इसे हमें फोल्ड करना है, इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो बहुत सारे लच्छे बनेंगे। और ये देखिए, ये हमारा पेड़ा बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे हम बेल लेंगे, बिना सूखा आटा लगाए हुए ही इसे हम बेल ले रहे हैं। थोड़ा सा आरा टेढ़ा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाद में ये टूटना ही है। और थोड़ा मोटा ही हम साइज में बेलेंगे। इधर तवा चढ़ा दिया था, गर्म हो गया तवा, तो इसके ऊपर हमने ये रोटी डाल दिए हैं। अब इसे हमें पलट लेना है, ये देखिए इसके इतने लच्छे हैं कि अभी से ये लच्छे खुल रहे हैं। अब इसे हमें अलट पलट कर पकाना है। अब इसके ऊपर हम घी ऐड करेंगे, और जिस तरीके से आप पराठा घर में सेकते हैं, सेम उसी तरीके से घी लगा करके हमें सेक लेना है। देखिए, दोनों साइड से हमें घी लगाना है और अच्छी तरीके से सेक लेना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसे सबसे पहले देख पाए। बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और ये देखिए, रोटी बन चुका था हमारा, इसे हमने निकाल लिया है। और ये देखिए, काफ़ी लच्छादार हमारा ये पराठा बना है। आप इसे किसी भी सालन के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है अगर इस तरीके से आपने पराठा बनाया। फिलहाल हम इसका बनाने वाला है मलीदा, तो इसके लिए हमने इसे तोड़ लिया है। और ये देखिए, तीनों रोटी को हमने इस तरीके से तोड़ लिए हैं। आप चाहे तो हाथ से भी इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन ये गर्म है, थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए एक बार हम इसे मिक्सी में चला लिए हैं, और ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरीके से है। हल्का ही पीसना है, पूरा चूरा हमें नहीं करना है। अब जो हमने काटा हुआ गुड़ था, वो इसके ऊपर हमने डाल दिया है। रोटी गर्म है तो गुड़ इजी से पिघल जाएंगे। 2 चम्मच मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और इसमें थोड़ा सा हमने खसखस डाल दिया है। आप यहाँ पर अपने पसंद का ड्राई फ्रूट्स आप जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। मैं 2 चम्मच ली हूँ कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स। हल्का सा भून लिए हैं ताकि अच्छी खुशबू आ जाए इसमें, और पोस्ता दाना जो खसखस डाले हैं वो भी भून जाए। इसमें हमने ऐड कर दिए है, यहाँ पर 3-4 चम्मच देसी घी को हमने मेल्ट करके इसमें डाल दिए हैं, और इसे हमें मिक्स कर लेना है। आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाथ से ही मिक्स कीजिएगा, ताकि कोई गुड़ का कभी गुठली वगैरह रह गए तो वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो चलिए, इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। काफ़ी हेल्दी है नाश्ते का ऑप्शन, आपके बच्चे को काफ़ी पसंद आएगा और आपको भी पसंद आएगा। तो चलिए, इसे हमने कर लिया है सर्व, रेडी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए, मिलते हैं हम आपसे एक और टेस्टी सी रेसिपी के साथ।